ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ कमिश्नरेट पुलिस ने खरड दे एक फ्लैट तो एक अंतरराज्यी संगठित अपराध सिंडिकेट दे सरगरे नू उसके चार साथियों समेत गिरफ्तार किया है। पंजाब दे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौरव यादव ने आज जानकारी देंदे दस्या कि सिंडिकेट दे सरगरे की पछाण अमृतसर के प्रेम नगर के रहन वाले जय शर्मा उर्फ सुखा पिस्तौल अंबरसरिया वजो हुई है जबकि चार मैंबर की पछाण की गल की जाए तो अमृतसर की संधू कलोनी के निखिल शर्मा उर्फ लाला अमृतसर के कोट खालसा के मोनी अर्पित ठाकुर और करण शर्मा दोवें वासी हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर श्री नैना देवी वजो हुई है। दोषी सुखा पिस्तौल का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड है जिस खिलाफ असला एक्ट लुटखो और चोरी के 7 मामले दर्ज ने। पुलिस टीम ने इन्हों के कब्जे 32 बोर के पिस्तौल समेत 3 मैगजीन 8 जिंदा कारतूस भी बराबद किए ने। डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी देंदिया दसिया कि मुलजम सुखा पिस्तौल वालों अपने साथियों समेत मध्य प्रदेश के खंडवा विखे नजायज हथियार की खरीदो फरोखत करन जान संबंधी मिली भरोसेयोग सूचना तो बाद थाना सिविल लाइन अमृतसर दी टीमां ने उन्हां दीआं गतिविधियां ते नजर रखनी शुरू कर दित्ती। उन्हां कहा कि मध्य प्रदेश तो वापस आउण ते पुलिस टीमां ने खरड़ दे विच उन्हां दे ठिकाने का पता लगा लिया ते जिस तों बाद किते ना किते पुलिस इस गिरफ्तारी दे लई कामयाब हो पई। जानकारी मुताबक इस तेजी दे नाल कार्रवाई करदे आ एडीसीपी सिटी 2 अभिमन्यु राणा की निगरानी हेठ पुलिस टीम ने एक फ्लैट से छापेमारी की ते सारे मुलजमान नूं गिरफ्तार करके उन्हां दे कब्जे दे विच 2 पिस्तौलां समेत असला बरामद कर लिया। उन्हां दस्सिया कि मुढली जांच ते पता लगा है कि मुलजम विरोधी गिरोह दे मैंबरां ते हमला करन दी योजना भी बना रहे सी। उन्हां कहा कि मुलजमां ते भारतीय न्याय संहिता की नवीं शामिल की धारा 111 तहत मामला दर्ज किया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदे आ पुलिस कमिश्नर अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों ने दस्सिया कि अपराधी गिरोह चोरी लुट खो अते हथियारां दी तस्करी समेत अपराधिक वारदातां दे विच शामिल सी। उन्हें कहा कि इस मॉड्यूल दे अगले पिछले संबंधों का पता लगाउण अते एमपी आधारित हथियारों के तस्करों की पछाण के लिए अगली जांच की जा रही है। उन्हें कहा कि होर गिरफ्तारियां अते बरामदगी की भी उम्मीद है। इस संबंधी साणा सिविल लाइन अमृतसर विखे FIR भी दर्ज कर ली गई है। हुण पंजाब दे विच खास तौर दे उते पंजाब पुलिस लगातार वक्रे किस्म दे नाल एक्शन मोड दे विच नजर आ रही है जिते कि देश विरोधी अंसरां दे इस दे नाल नाल नशा तस्करां खिलाफ गैंगस्टर खिलाफ खास तौर दे उते वखो वखरे समय दे तहत अलग अलग तरीके दे नाल मुहिम विडियां जा रहियां ने ते इस दे तहत एक खरड़ तो गिरफ्तारी की गई है। सुखा पिस्तौल नां दा एक नामी गैंगस्टर सी जिसनूं उस दे चार साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है। इत्थे वी दस दईए कि इन्हां खिलाफ चोरी लुटखो दीआं वारदातां हथियारां दी तस्करी समेत कई सारे मामले जिहड़े ने उह दर्ज ने। इत्थे इह वी दसणा बनदा है कि इन्हां तों होर वी पुछगिछ दौरान कई अहम ते वड्डे खुलासे हो सकदे ने ते लगातार हुण पंजाब पुलिस एक्शन मोड दे विच नजर आ रही है। इस गिरफ्तारी दी गल कीती जावे तां डीजीपी गौरव यादव दे वल्लों इह जानकारी सांझी कीती गई है।